शनन ढाका हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओरिजिनली मैं रोहतक के संदाना गांव की रहने वाली हूँ, पर मैं हमेशा से ही पापा के साथ कैंट एरियाज में रही और प्रेजेंटली जीरकपुर में रहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एनडीए एग्जाम गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट हो गया था पिछले साल ही। तो पिछले साल जो पहली परीक्षा हुई जिसमें गर्ल्स बैठी थी वो थी एनडीए 2021। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 आई और अगर सिर्फ गर्ल्स के परिणाम को देखा जाए तो उसमें फर्स्ट आई। प्रेजेंटली मैं लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री कॉम्बिनेशन के साथ। मेरे दादा सूबेदार चंद्रभान ढाका और पिता विजय कुमार ढाका दोनों ही आर्मी में थे और मेरी बहन भी अभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग में है। तो सब लोग फैमिली में आर्मी में ही थे, तो हमेशा से एक आर्मी की एनवायरनमेंट बनी रहती थी घर में। बचपन से कैंट में पले बड़े तो हर तरफ आर्मी ऑफिसर्स देखने को मिलते। स्कूल जाते तो हमारी प्रिंसिपल एपीएस सुमन सिंह, वो भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो हर जगह इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स को देख के बहुत मोटिवेटेड फील होता था कि आर्मी में जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है ये। एक जॉब नहीं कर रहे हो आप फिक्स की यही काम करने है लाइफ लॉन्ग, बल्कि आप देश की सर्विस कर रहे हो। आप अपने देश को सर्व कर पाओगे और बहुत एंजॉय करोगे, एडवेंचरस लाइफ होगी। ये नहीं है कि एक फिक्स काम है, अलग अलग तरीके से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरीके से स्ट्रांग बन जाओगे। आई थिंक ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो गर्ल्स को मिल रही है कि वो सीधा 12th के बाद ही अब आर्मी ज्वाइन करने का या एयरफोर्स नेवी जिस भी सर्विस में वो ज्वाइन करना चाहती हैं ज्वाइन कर पाएंगी। साथ ही वे 4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद और भी ज़्यादा अच्छे आर्मी ऑफिसर्स बन पाएंगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी है तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस उनके होंगे इस लाइफ में। मैंने अगस्त में एक बार न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि शायद एनडीए गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मेरी प्रिंसिपल मैम ने और मेरे फ्रेंड्स ने कॉन्टीन्यूसली इस बारे में अपडेट देते रहे और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया सितंबर में, तो पता चला कि दे सकते हैं गर्ल्स। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर, मैं से कामयाबी मिल जाना बच्चे को, इससे ज़्यादा और खुशी मम्मी और पापा को कुछ नहीं होगी। रिटन के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, हर दूसरे दिन पेपर सॉल्व करा और उसे खुद ही चेक करके खुद ही एनालाइज किया। जो है इंटरव्यू, ये एक्चुअली में एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो इसमें सिर्फ मेरी पर्सनालिटी ही जज होने वाली है। तो मुझे किसी और की कही सुनी बातों पे या किसी और को देख कर कि ये ऐसे बिहेव करते हैं तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं किया। अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी वहाँ पर शो करी, किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। मैं सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैं सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों से बात करना चाहते हैं, सोशल इंटरेक्शन कीजिए, बाहर जाकर मिलिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, टाइप करने में क्यों टाइम वेस्ट करना। और मुझे ये तो कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्ट हो जाऊँगी, पर रैंक 1 आएगी गर्ल्स में और ओवरऑल 10 आएगी ये बिल्कुल नहीं सोचा था। उस वक्त मैं अपने मामा के घर थी और हम सारे बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक पापा का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि रिजल्ट आ गया है और चेक करो। जैसे ही मैंने चेक करने के लिए फ़ोन खोला, उनका दोबारा फ़ोन आता है और कहते हैं कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 10 आई है। ये खबर सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई कि बचपन से जो सपना देखा था आर्मी में जाने का वो बिल्कुल सच होने वाला है। मेरे पास जितनी भी रिसोर्सेज थी मैंने उनका बेस्ट यूज़ किया। अगर आप APJ अब्दुल कलाम की भी बात करें, वो मछुआरे के बेटे थे, वो कह सकते थे मेरे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो उपलब्ध था उन्होंने उसका बेस्ट यूटिलाइज करा और देश के प्रेसिडेंट तक बने। मैं आर्मी को इसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पिता और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स आर्मी में थे तो आर्मी लाइफ जीने का मौका मिला। और आर्मी में बहुत ज़्यादा जेंडर न्यूट्रलिटी है, इसीलिए गर्ल्स को बॉयज़ को सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और हमें भी पढ़ने का उतना ही मौका दिया गया जितना कि किसी और बॉय को दिया जाता। और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी, मेरे पेरेंट्स भी इस बारे में काफ़ी लिबरल रहे, इसलिए इस बारे में मुझे कोई दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। वो सब बहुत ही एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सभी एडवेंचर्स को फेस करने के लिए और जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको अच्छे से पार करने। मैं आमतौर पे 5-6 घंटा पढ़ती थी, पर जैसे ही पेपर की न्यूज़ सुनी तो सोचा इस बार पेपर को जाने नहीं देना, तो 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा यही प्लान था कि मैं ग्रेजुएशन जब परस्यू कर रही हूँ तो मैं सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करूँ, पर क्योंकि ग्रेजुएशन करने से पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है देश को सर्व करने की आर्मी में जाने की, तो ग्रेजुएशन का वेट क्यों करना है, इसलिए मैंने यही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ज़्यादा सही समझा। स्पोर्ट्स में मैंने एथलेटिक्स में पार्ट लिया है क्लास 8 तक, जिसके बाद थोड़ा थोड़ा अकेडमिक्स और पब्लिक स्पीकिंग की तरफ इंटरेस्ट पड़ने लगा और स्पोर्ट्स कम होती गई। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है
बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।